और शर्ट की एग्जीबिशन करो इधर किसी म्यूजियम में, किसी हॉल में विराट की शर्ट लिखाओ। विराट तो आ नहीं सकता, चलो विराट की शर्ट ही भाई लोग देखेंगे, लोग कसम से लोग पैसे देंगे देखने जाएंगे विराट की शर्ट, ठीक है ना। लोग जाएंगे पैसे दे के और विराट की शर्ट देख के विराट की शर्ट के साथ सेल्फी लेंगे लोग। विराट कोहली है, उसने शर्ट गिफ्ट कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात? मैं तो ऐसे कुछ खास मेरा बुरा रिएक्शन नहीं होगा यार, मैं उसकी फैन हूँ तो बाबर नहीं हो सकता। चाहे जो भी है, बाबर का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है बाबर विराट का जूनियर है। विराट उस वक्त तक एक लैम्प लाइट में को टच कर चुका था जब बाबर जो है वो इस प्रोफेशन में आया था, जब उसका स्टार था तब वो एक लेजेंड बन चुका था। अच्छा, बाबर आजम जो है वो विराट कोहली की शर्ट जो है म्यूजियम में सेल कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना? तो यार बगैरत बंदा क्या काम है, यही म्यूजियम में रख दे यार। हमें निशानी मिली है, एक लेजेंड प्लेयर है जो क्रिकेट का किंग है, उसकी शर्ट मिली है गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, गिफ्ट बेचे नहीं जाते, उसे संभाल के रखा जाता है। विराट कोहली की जो शर्ट है वो तो चले म्यूजियम में लगेगी, अब बाबर आजम ने भी जो शर्ट दी है विक्रांत गुप्ता को, वो कहाँ पे जाएगी? जैसा ये प्लेयर है, जैसी परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो घर में पोछा नहीं लगाते नहीं तो भाई, वो उन्होंने पोछा लगाने के लिए ली है पहले भाई। नहीं, वो जो उन्होंने शर्ट ली है ना, तो वहाँ का एक मशहूर तरीन खुसरा, उसने डिमांड की थी कि मुझे दे देनी है वो शर्ट, तो वो पहन के इस तरह जो है ना उसने दिखाना था, वो अपने शो और फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करनी है इस बहन चौथ की शर्ट। यार इस इंडिया वाले सचिन को, सचिन के बाद गोट ऑफ क्रिकेट और क्रिकेट के किंग पैदा हुए हैं भाई विराट कोहली। विराट कोहली इससे आगे कोई भी नहीं है। तो एक बंदा जो है क्रिकेट के प्रोफेशन से, मैं एक आम लड़की हूँ ठीक है, क्रिकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस मैं एज अ फैन देख लेती हूँ क्रिकेट ठीक है। तो मैं अगर मतलब कुछ भी कर सकती हूँ विराट को एक स्टेडियम में परफॉर्म करता देखने के लिए, या फिर उसको जो है उसका एक ऑटोग्राफ लेने के लिए ठीक है। अच्छा शर्ट भेज देंगे, तो और किस लिए लिया इसने? अपनी गांड में लेनी है इस बंदे ने, आप ये बताएं किस लिए लिए इसने शर्ट सिग्नेचर करके? बेचने के लिए लिए ना भाई। यार इतने बड़े लेजेंड की शर्ट है, उसको तो एग्जीबिशन करना है भाई, क्रिकेट का किंग है, गोट ऑफ क्रिकेट है, तो उसकी शर्ट तो बिकेगी करोड़ों में। तो जैसे मैं भाई विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसे बहुत जो अमीर बंदे हैं वो शर्टें लेते हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता मिलने का सिग्नेचर करवाने का। इसके बगैर बंदे की शर्ट उन लोगों ने क्या करना है, पोछा ही लगाना है शायद वो। इंडिया में काफी फैन है बाबर आजम के? फैन नहीं है ये, है बाबर आजम खुद ये है, तो लेडीज खड़ी है, मैं गाली निकाल नहीं सकता क्योंकि लेडीज की हम इज्जत करते हैं, तो बाकी बाबर ये है, बेस्ट मैन नहीं है। ओके, जब म्यूजियम में लगने वाली है शर्ट इनकी विराट कोहली, ये बगैरत, बगैरत जो कौम होती है, बगैरत कप्तान होते हैं, वो म्यूजियम में नहीं लगाते, अपने घरों में रखते हैं बेचने के लिए ठीक है, म्यूजियम में नहीं रखेंगे ये, जब रखेंगे मैं अपना सर कलम करवा दूंगा। बैट मांग लिया था तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए था, आपको बैट दे देना चाहिए। दिल बड़ा नहीं, इनके गाने बड़ी है। कल मैंने पिछला मैच जो जीते थे इंडिया से, पता नहीं अल्लाह करके कैसे जीत के लगाया हुआ था भाई, उंगली मत उठाना बाजू तोड़ के रख देंगे, इंडिया वालों ने बाजू गांड में दे दिए इन लोगों की ठीक है। हंसते हंसते ले लिया है, शर्मों की तरह, पानी ले लो पानी, इधर नाक डुबो के मर जाओ बहन चोद। विक्रांत गुप्ता के बच्चे ने बैट मांगा था इस बहन चोद बड़वे से, इसने बैट नहीं दिया, ये तो थूक भी फेंकते हैं, कहते हैं यार बिकी जाए। अबे साले तुझे बच्चे ने तुझसे बैट मांगा था, तुझे चाहिए था बैट, अपना सब कुछ दे देता बच्चे को, सिग्नेचर करके सिर्फ बच्चे को शर्ट दे दिया यार, ये कोई बंदा है? तो गैरत की गोली खा लो, कितना अच्छा इस्तकबाल किया इंडिया वालों ने आप लोगों का। मतलब बाबर आजम दो नंबर वन बैट्समैन भाई, नंबर वन नहीं भाई, कहने को तो नंबर वन क्यों कहने को यार, जिस तरह भी है नंबर वन, अच्छा हकीम थ्रू के हैं तो है ना नंबर भाई, वो उसका फैन है यार, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते उसको नंबर वन बैट्समैन। क्या बैटिंग करके गया बहन का लोड़ा कल, 58 बॉलों पे 50 रन, ये तो बहन चोद अपने लिए खेलते हैं भाई, टीम के लिए थोड़ी खेलते हैं, और 50 होते ही पूरा आउट हो गया, आउट हो गया ये सिर्फ 50, मैं मेरी 50 हो मुझे 2-3 लाख आ जाए 50 का, और मैच फीस भी ले लूं, सैलरी तो मिल ही रही है, तो शायद मेरे जो फैंस हैं उसका मैं दिल जीत लूं भाई, हम गालियां ही निकालेंगे अगर ये जो हमारा हिजड़ों का कैप्टन है बाबर आजम लंड का बाल है, जो अगर उससे ये दिल मांगता या जान मांगता उसने भाई, वो भी दे देनी थी शर्ट की, तो क्या बात है, अगर उससे दिल या जान मांगता ना उसने दे देनी थी, वो जितना बड़ा प्लेयर है उतना बड़ा उसका दिल है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपको पता चला होगा कि यार विराट कोहली ने बाबर आजम को अपनी शर्ट दे दिया साइन कर। यार मतलब कमाल यार, वो इतना बड़ा लेजेंड है यार, लिविंग लेजेंड है, वो बंदा खुद ऐसे करके शर्टें उठा के और ग्राउंड में फिर रहा के बाबर 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 ये लो बाबर शर्ट ले लो बाबर शर्ट ले लो। बाबर ने उसको पता नहीं किससे किसने मांगी थी, बाबर बाबर की गर्लफ्रेंड विराट की फैन थी या बाबर खुद विराट का फैन है, जो भाई बाबर ने फौरन मैच हारने के बाद कुछ नहीं देखा इधर उधर, मतलब मैच हार गए 0-8, मतलब कुछ नहीं, बाबर भाई ने कुछ भी नहीं देखा, बाबर भाई ने देखा विराट
से शर्ट मांग लूं, मैं अभी शर्ट ले लूं, पता नहीं बाबर अभी यार बहुत दिन से यार अभी उधर अभी विराट ने मिलते रहना था आपको, वही टाइम मिला था यार, आपने शर्ट ले लिया ना यार, शर्ट अब ले आओ इधर ठीक है, और शर्ट की एग्जीबिशन करो इधर किसी म्यूजियम में किसी हॉल में, विराट की शर्ट लिखाओ, विराट तो आ नहीं सकता, चलो विराट की शर्ट ही भाई लोग देखेंगे, लोग कसम से लोग पैसे देंगे देखने जाएंगे विराट की शर्ट, ठीक है ना, लोग जाएंगे पैसे दे के और विराट की शर्ट देख के विराट की शर्ट के साथ सेल्फी लेंगे लोगों को, ये जो पाकिस्तान यूट्यूबर एशिया कप में जाके मिलके आए ना यार, उनको भी मतलब रियली उनको भी ये एक्सप्रेशन था यार, हम मतलब हमें यकीन ही आ रहा था यार हम विराट से मिल के आए हैं यार, उस शर्ट की क्या बात है यार, वो बंदा इतना हम्बल है ना यार, वो दिल जीत लेता अगले बंदे का, ऐसी उसके रिस्पेक्ट लोगों की करता है, और जो भी उसको मिलने जाते हैं यार इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं विराट भाई, अगर, मतलब अगर ये जो हमारा हिजड़ों का कैप्टन है बाबर आजम लंड का बाल है, जो अगर उससे ये दिल मांगता या जान मांगता उसने भाई वो भी दे देनी थी, शर्ट की तो क्या बात है, अगर उससे दिल या जान मांगता ना उसने दे देनी थी, वो जितना बड़ा प्लेयर है उतना बड़ा उसका दिल है भाई, वो दिल का बड़ा है, वो वैसे भी बहुत यार इतना बड़ा इंटरनेशनल, मतलब आप सचिन तेंदुलकर और मतलब एमएस धोनी सबको पीछे छोड़ गया यार, इतना लिविंग मुझे अगर मतलब क्रिकेट मानते थे इंडिया वाले सचिन को, सचिन के बाद गोट ऑफ क्रिकेट और क्रिकेट के किंग पैदा हुए हैं भाई विराट कोहली, इससे आगे कोई भी नहीं है, इससे आगे मतलब बाबर आजम जो नंबर वन बैट्समैन भाई, नंबर वन नहीं भाई, कहने को तो नंबर वन क्यों कहने को यार, जिस तरह भी है नंबर वन अच्छा हकीम थ्रू के हैं तो है ना, नंबर भाई वो किसका है ना यार, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते उसको नंबर वन बैट्समैन, क्या बैटिंग करके गया बहन का लोड़ा कल 58 बोलों पे 50 रन, ये तो बहन चोद अपने लिए खेलते हैं भाई, टीम के लिए थोड़ी खेलते हैं, और 50 होते ही पूरा आउट हो गया, आउट हो गया, ये सिर्फ 50 मतलब मैं मेरी 50 हो मुझे 2-3 लाख आ जाए 50 का, और मैच फीस भी ले लूं, सैलरी तो मिल ही रही है, तो शायद मेरे जो फैंस हैं उसका मैं दिल जीत लूं भाई, हम गाली ही निकालेंगे, आपने गुरबाज की बैटिंग चेक की 58 बॉलों पे 80 रन बना के गया, रोहित की कल बैटिंग चेक की, आप कह रहे हैं जी नंबर, विक्रांत गुप्ता के बच्चे ने बैट मांगा था इस बहनचोद बड़वे से, इसने बैट नहीं दिया, ये तो थूक भी फेंकते हैं, कहते हैं यार बिकी जाए, अबे साले तुझे बच्चे ने तुझसे बैट मांगा था, तुझे चाहिए थे बैट, अपना सब कुछ दे देता बच्चे को, सिग्नेचर करके सिर्फ बच्चे को शर्ट दे दिया यार, ये कोई बंदा है, गैरत की गोली खा लो, कितना अच्छा इस्तकबाल किया इंडिया वालों ने आप लोग, आप लोगों का बैट मांग लिया था, तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए था, आपको बैट दे देना चाहिए, दिल बड़ा नहीं, इनकी गांडे बड़ी हैं, पानी ले लो पानी, इधर नाक डुबो के मर जाओ बहन चोदो, मोदी स्टेडियम में गालियां पड़ी हैं वहां, रिजवान जो है ना वो अल्लाह का नेक बंदा है, वो अपनी टीम के लिए खेलता है, जो ये बहन का लोड़ा है ये सिर्फ अपने लिए खेलता है, स्टेडियम में आवाम ने बाबर आजम और रिजवान को गालियां निकाली हैं, इसके बारे में क्या कहना है, रिजवान दिल का भी अच्छा है और अल्लाह का नेक बंदा है, ऊपर से है भी पठान, ठीक है, वो सिर्फ टीम के लिए खेलता है, अगर टीम पूरी में अगर कोई बंदा है ना वो मोहम्मद रिजवान है, वो अल्लाह का नेक बंदा है, अगर वो स्टेडियम में नमाज पढ़ता है तो उससे सारे लड़ते हैं, आप स्टेडियम में नमाज क्यों पढ़ते हो, अगर उसने सेंचुरी की है भाई, उसने लगा ट्यूट कर दिया फलस्तीन वालों को, तो उस पर भी लोग इतराफ कर रहे हैं जी इस बंदे को टीम से निकालो, वो अल्लाह का नेक बंदा है, वो अपनी टीम के लिए खेलता है, बाबर आजम सिर्फ गांडू है, गांडू रहेगा और गांडू था, विक्रांत गुप्ता को इन्होंने बैट नहीं दिया, शर्ट दे दी यार, देखे विक्रांत गुप्ता के जो बेटा है ना बच्चा है उसने बैट मांगा था, इस बगैरत के बच्चे ने इसलिए उसको शर्ट दे दी कि यार पाकिस्तान में हम जाएंगे जिस तरह खेल रहे हैं जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं लोग नंगा कर देंगे, मुझे तो ये डर था कि यार अपने ये ट्राउजर उतार के ना दे दे नंगा हो के ना उधर हो जाए, ये उधर नंगा हो गया, उधर नंगा हो के शर्ट दे दी उसको, बैट नहीं दिया, तो विराट कोहली से शर्ट ले लिए जी, मैं इसको बेचूंगा 4 पैसे आ जाएंगे मेरी पॉकेट गर्म हो जाएगी, अच्छा शर्ट बेच देंगे तो और किस लिए लिया इसने, अपनी गांड में लेनी है इस बंदे ने, आप ये बताएं किस लिए लिए इसने शर्ट, सिग्नेचर करके बेचने के लिए लिए ना भाई, यार इतने बड़े लेजेंड की शर्ट है उसको तो एग्जीबिशन करना है भाई, क्रिकेट का किंग है, गोट ऑफ क्रिकेट है, तो उसकी शर्ट तो बिकेगी करोड़ों में, तो जैसे मैं भाई विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसे बहुत जो अमीर बंदे हैं वो शर्टें लेते हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता मिलने का सिग्नेचर करवाने का, जब म्यूजियम में लगने वाली है शर्ट इनकी विराट कोहली, ये बगैरत जो कौम होती है, बगैरत कप्तान होते हैं वो म्यूजियम में नहीं लगाते, अपने घरों में रखते हैं बेचने के लिए, ठीक है म्यूजियम में नहीं रखेंगे, ये जब रखेंगे मैं अपना सर कलम करवा दूंगा, अच्छा बाबर आजम जो है वो विराट कोहली की शर्ट जो है म्यूजियम में सेल कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना है, तो यार बगैरत बंदा है क्या काम है, यही म्यूजियम में रख दे यार, हमें निशानी मिली है, एक लेजेंड प्लेयर है जो क्रिकेट का किंग है, उसकी शर्ट मिली है गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, गिफ्ट बेचे नहीं जाते, उसे संभाल के रखा जाता है, चाहे जितने मर्जी उसके दाम लग जाए उसे बेचना नहीं चाहिए, उसे अपने पास रखें निशानी के तौर पे, आपने शायद अफरीदी के घर में देखे होंगे, ए बी डिविलियर्स, गिल्स, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े जो बैस्ट हैं
बैट्समैन उनकी शर्टें पड़ी हैं, ऐसे आप म्यूजियम में रख दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता चला होगा बाबर आजम को वो जो है विराट कोहली है उसने शर्ट गिफ्ट कर दी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात? मैं तो ऐसा कुछ खास मेरा बुरा रिएक्शन नहीं होगा यार, मैं उसकी फैन हूँ तो बाबर नहीं हो सकता। चाहे जो भी है बाबर का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है बाबर विराट का जूनियर है। विराट उस वक्त तक एक लैम्पलाइट में को टच कर चुका था जब बाबर जो है वो इस प्रोफेशन में आया था, जब उसका स्टार था तब वो एक लेजेंड बन चुका था।